हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी एम कॉम फर्स्ट ईयर में हैं अभी तो आपके पास एक सब्जेक्ट होगा इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट। आज मैं उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इग्नू से एम कॉम कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर में है, आईबीओ 2 का एग्जाम अगर आपका है तो आप उसके रिगार्डिंग ये टॉपिक्स कवर कर लीजिए, आप काफी इजिली पास हो जाएंगे। 50, 60, 70 इसकी रेंज में आपके मार्क्स पक्का सिक्योर हो जाएंगे आपके, अगर आपने ये टॉपिक कवर कर लिया है। देखिए, मैंने लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर रीड किए, उसमें जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे बार बार वो मैंने इसमें कवर किए हुए हैं। देखिए, फर्स्ट से लेके मैंने इस पेज पे 26 तक एंड इसमें 34, इट मीन्स कि फर्स्ट से लेके 34 तक का मैंने जो है टॉपिक कवर किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं ब्रांडिंग प्रॉब्लम को लेके, सेगमेंटेशन एडवांटेज, जो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सैम्पलिंग गाइडलाइंस फॉर रिपोर्ट राइटिंग, ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर करके जाइए एग्जाम में। और मैं आपको इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी एक छोटी छोटी वीडियोस कुछ कुछ पार्ट्स में लेकर आने वाली हूँ, जिसमें बिल्कुल आपको कीवर्ड्स मिलेंगे देखने को। आप उसको अगर इस वीडियोस को अगर देख लेते हैं तो आप काफी इजीली एग्जाम में लिख पाएंगे, क्योंकि आपको बेसिकली नॉलेज चाहिए कि एक्चुअल में ये जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं क्वेश्चन, उसमें हमें लिखना क्या है। तो बुक की लैंग्वेज तो नहीं चलती है इग्नू या किसी भी सेंटर में, क्योंकि बुक की लैंग्वेज सेम एज इट इज कोई नहीं लिख सकता, आपको अपनी लैंग्वेज में ही लिखना है। मेन थिंग ये है कि आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तो ये नॉलेज आप ऑनलाइन काफी सारी वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं। मेरे आने वाली वीडियोस के लिए आप मुझे जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि काफी इम्पोर्टेंट होने वाली हैं वो भी। ऐसे ही मैंने आईबीओ 1 से लेकर 6 तक 6 सब्जेक्ट हैं, 6 के 6 वीडियोज बनाई हुई हैं, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने इसमें दिखाए हुए हैं, आप इतना करके चले जाइए। इसके लिए आप इग्नू से जो बुक्स आई हैं आप उसमें से पढ़ सकते हैं, और आप नीरज पब्लिकेशन की बुक्स हैं वहां से पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं, और मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं आप उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि वो काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। और हाँ, मैं आपको ये चीज क्लियर कर देती हूँ कि मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक के इम्पोर्टेंट की वर्ड्स ही बताऊंगी आपको, और एक्चुअल में आपको समझना है कि हमें कैसे लिखना है एग्जाम में, ये आपको खुद बनाना होगा। मैं सिर्फ ये बताऊंगी जैसे ब्रांडिंग क्या है, ब्रांडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है इंटरनेशनल मार्केट में, तो मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी। ऐसे ही मैं टॉपिक वाइज जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, मैं आपको ये सही से दिखा देती हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसको सेव कर लेंगे इस वीडियो को, क्योंकि आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। ये आईबीओ 2 की है, और बाकी आईबीओ 1 से लेके आईबीओ 6 तक के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से वो देख सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी काफी इजीली कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। थैंक यू गाइज़।